गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल बी स्टार्टेड न्यू चैप्टर 7 यूनिट 3 सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ इज क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। जो पृथ्वी होती है, क्रस्ट मतलब जो ऊपरी परत होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? सॉइल और रॉक्स, यानी मिट्टी और चट्टानों की। All the rocks are made up of substance called minerals. और जो soil और rocks होती है, मतलब मिट्टी और जो चट्टाने होती है, वो किसके मिश्रण से बनती है? Minerals के मिश्रण से। Soil. Soil is a valuable natural resources on the earth. मिट्टी है वो अर्थ का मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। Soil is not only contains metal and minerals in its layer. सॉइल सिर्फ मैटर और मिनरल्स की लेयर ही नहीं है, बट ऑल्सो ग्रोज और प्लांट। इसमें क्या करते हैं? प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। इट होल्ड द रूट्स ऑफ प्लांट फॉर्मली। जब हम पौधों को या पेड़ों को लगाते हैं, तो उसकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, उसको क्या करता है? मिट्टी पकड़ के रखती है। एंड प्रोवाइड वाटर, और क्या आपको प्रोवाइड करवाती है? पानी प्रोवाइड कराती है। एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिशन टू है, और मिट्टी के थ्रू ही रूट्स को पानी मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है? डेवलप होते हैं। और इससे क्या होता है? हमें अनाज मिलता है, मतलब खाने पीने की चीजें मिलती है। विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के देयर वुड बी नो प्लांट और नो ऑन आवर प्लैनेट्स। बिना मतलब कि बिना मिट्टी के नो प्लांट्स ऑन आवर प्लेनेट, तो हमारे जो प्लेनेट है, हमारा जो अर्थ है, वहां पे प्लांट्स नहीं हो सकता। बिसाइड दिस सॉइल इज होम टू मैनी इंसेक्ट एंड माइक्रोनिगेनिज्म। और जो इस मिट्टी होती है, उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स का और छोटे छोटे माइक्रोनिगेनिज्म का क्या होता है? घर होता है। सॉइल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ए वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। सॉइल में, सॉइल का जो फॉर्मेशन का मतलब कि जो उसकी परत होती है, पहले चट्टान, फिर मिट्टी, फिर मिनरल्स, या ऐसी जो भी परत होती हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? बहुत स्लो होता है। सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर, माइक्रोनिगेनिज्म। सॉइल बनने का क्या फॉर्मेट होता है? जब किसी भी चट्टान के टूटने पर, और वो कब टूटती है? आंधी आने पर, तूफान आने पर, बाढ़ आने पर, कोई टेम्परेचर आने पर, या माइक्रोनिगेनिज्म होने पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड इज वेदरिंग। मौसम के बिगड़ने से जो भी घटनाएं होती है, उससे क्या होता है? वो टूटती करती है, तो किसका निर्माण होता है? सॉइल का। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ कंसिस्ट वेदर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल, और उसमें बहुत हजारों साल लग जाते हैं सॉइल की, एक सॉइल की लेयर को बनने के लिए। थैंक यू।